हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन कुमार पंवार। फ्रेंड्स, आज अपन एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो से साथ स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ VVM, ये हर नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में हर में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन आप एक बार ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं VVM। देखिए फ्रेंड्स, आप जो ये देखो, ये वायल देख रहे हो, ये है ओपीवी की वायल। तो इसमें आपको जो ये वायल के बीच में जो डायग्राम दिख रहा है ना, छोटा सा गोलाकार, वो ही है VVM। मोस्टली इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स, जो अपन वैक्सीन जो भी यूज करते हैं, जैसे पोलियो ओपीवी का यूज करते हैं, तो उसकी पोटेंसी चेक करने के लिए मोस्टली इसका यूज किया जाता है। मतलब कि इसका कलर देख के अपन पता लगाते हैं कि ये यूजफुल है कि या यूजेबल नहीं है, या इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपन शुरू करते हैं VVM वैक्सीन वायल मोनिटर। ये 1998 में अपने इंडिया में लॉन्च हुआ था, और ये इस 1998 में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट लॉन्च हुआ था, वो था BMW मैनेजमेंट। यानी 1998 में दो चीज़, VVM एंड BMW मैनेजमेंट एक्ट, दोनों लॉन्च हुए थे। फ्रेंड्स, आप एक दूसरे चीज़ को कोरिलेट करके पढ़िए, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ऑल्सो कॉल्ड कलर मोनिटर ऑफ वैक्सीन, यानी VVM जो वैक्सीन वायल मोनिटर होता है, उसको कलर मोनिटर ऑफ वैक्सीन भी बोलते हैं। सेकेंड लाइन है फ्रेंड्स, गिवन बाई पाथ। पाथ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा VVM लॉन्च किया गया था, स्पेशली यूज फॉर ओपीवी एंड हिपेटाइटिस बी। VVM है ना वैक्सीन वायल मोनिटर, मोस्टली है ओपीवी और हिपेटाइटिस बी की पोटेंसी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ VVM फ्रेंड्स, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर VVM से क्वेश्चन बनता है, तो यहीं से मोस्टली क्वेश्चन बनता है। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसका डायग्राम देके पूछ लेते हैं कि ये इसको अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि VVM का जो आउटर पार्ट होता है, सर्कल पार्ट होता है, वो कौन से कलर का होता है। कभी इनर पार्ट पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ VVM आप मोस्टली इस पर फोकस कीजिए। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है आपको, देखिए जो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, जैसे आउटर पार्ट, आउटर यानी बाहर वाला पार्ट, जो आपको सर्किल या मतलब गोलाकार पार्ट जो दिख रहा है ना, वो फ्रेंड्स क्या होता है, थोड़ा मतलब इनर पार्ट की जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ना, उससे तुलना में बाहर वाला पार्ट डार्क ब्लू होता है, और इसकी मोटाई 7 mm होती है। फ्रेंड्स, इस पर आप फोकस कीजिए, जो सर्कल पार्ट होता है वो डार्क ब्लू होता है, और जो आपको इनर पार्ट दिख रहा है, ये अंदर वाला जो वृत्ताकार पार्ट दिख रहा है ना, यानी स्क्वायर जो पार्ट दिख रहा है, वो बार वालों की तुलना में लाइट वाइट होता है, यानी थोड़ा वाइट कलर का होता है, और इसकी मोटाई 2 mm होती है। नेक्स्ट है, वैलिडेशन ऑफ VVM इज डन बाय ऑप्टिकल डेंसिटोमीटर। यानी इसकी वैलिडेशन ये वैलिड है कि नहीं है, उसकी मतलब उसको मॉनिटर ऑप्टिकल डेंसिटीमीटर द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, यहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैलिडेशन ऑफ VVM इज डन बाय, फिर आंसर आएगा ऑप्टिकल डेंसिटोमीटर। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ VVM। मोस्टली VVM के जो मोस्टली पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो 4 होते हैं, VVM सेकेंड, VVM 7, VVM 14 और VVM 30। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि VVM के टाइप क्या क्या होते हैं, या फिर यूँ पूछ लेता है कि कौन से VVM के टाइप में हाई स्टेबिलिटी पाई जाती है। फ्रेंड्स, आप ये जो ये देखो, ये चार्ट देख रहे हो, इसमें देखिए जो VVM सेकेंड वाले को अपन ने नीचे लिया है, क्यों, इसकी स्टेबिलिटी के अनुसार अपन ने इसका चार्ट प्रिपेयर किया है। फ्रेंड्स, ये चार्ट देखिए, इसमें लिख रखा है टाइप्स स्टेबिलिटी डे टू रीच डिस्कार्ड पॉइंट, यानी कितने दिन के अंदर वो डिस्कार्ड पॉइंट यानी खराब हो जाता है, और इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट तो अपन लेते हैं VVM सेकेंड। VVM सेकेंड मतलब इसमें VVM सेकेंड में इसकी सबसे कम यानी लिस्ट स्टेबिलिटी होती है, इसकी सबसे कम लिस्ट स्टेबिलिटी होती है, और इसको 2 दिन तक इसको अपन यूज कर सकते हैं, और मोस्टली ये ओपीवी के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है VVM 7। VVM 7 में इसकी स्टेबिलिटी VVM सेकेंड से थोड़ी ज्यादा यानी मॉडरेट होती है, और इसको अपन 45 डे तक यूज कर सकते हैं, यानी इसका डिस्कार्ड पॉइंट यानी इसको डिस्कार्ड करने तक पॉइंट इसको 45
45 डेज तक होता है और इसके अंदर आईपीवी पेंटा और एमएमआर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड टाइप है वीवीएम 14। वीवीएम 14 की जो स्टेबिलिटी होती है वो मीडियम होती है, यानी वीवीएम 7 से थोड़ी ज्यादा होती है, और इसका जो डिस्कार्ड पॉइंट होता है वो उसको 90 दिन तक इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आईपीवी पेंटा एमएमआर रोटा एंड कोलेरा और येलो फीवर आता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड वीवीएम 30। वीवीएम 30 की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है और इसको 196 दिन तक, इसका मतलब डिस्कार्ड पॉइंट होता है वो 196 डेज तक होता है। अब जो इसके एग्जांपल उसमें जो भी ये एग्जांपल नीचे आ गए उसमें से जो रह गए हैं वैक्सीन में वो सब इसके अंदर वीवीएम 30 के अंदर आते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीवीएम के टाइप में से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, या फिर पूछेंगे सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है। कभी कभी इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, वैसे एग्जाम्पल तो बहुत कम रेयर चांस में पूछते हैं, पर इसके टाइप पूछ सकते हैं कितने टाइप के होते हैं, या फिर यूँ पूछ सकते हैं कि इसकी हाई स्टेबिलिटी किसकी होती है और लिस्ट स्टेबिलिटी किसकी होती है। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं अपन वीवीएम के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ग्रेड यानी नॉमिनल स्केल। यानी फ्रेंड्स, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि वीवीएम के कौन से ग्रेड तक या इसको यूज किया जा सकता है, कौन से ग्रेड पे इसको डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अपन इसकी नॉमिनल स्केल पढ़ते हैं। देखिए, जो आप ये डायग्राम देख रहे हो, देखो ये चार वायल्स, अब इसमें जो वायल्स लिख रखे हैं, देखो चार वायल है, तो ये जो फर्स्ट वाली वायल है वो ग्रेड फर्स्ट में आती है, सेकंड वाली वायल वो ग्रेड सेकंड में आती है, थर्ड वाली वायल वो ग्रेड थर्ड में आती है, और फोर्थ वाली वायल है वो ग्रेड फोर्थ में आती है। क्यों आती है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ग्रेड फर्स्ट में जो आपको आउटर वाला जो सर्कल पार्ट दिख रहा है ना, आउटर वाला सर्कल, वो पार्ट इनर वाले पार्ट यानी इनर जो स्क्वायर पार्ट है ना, उसकी तुलना में अधिक डार्क है। आपको दिख रहा है ना, जो बार वाला पार्ट है, बार वाला जो भाग है वो ज्यादा नीला है, और जो अंदर वाला पार्ट है वो वाइट है, नॉर्मल है। मतलब जो वीवीएम होती है वो नॉर्मल इसी तरीके से होती है। आप देखिए, ये सेकंड वाली वायल दिख रही है फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो आउटर वाला पार्ट, जो सर्कल पार्ट है वो, देखो जो आउटर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा मतलब ब्लू, डार्क ब्लू है, और लेकिन जो अंदर वाला जो स्क्वायर पार्ट है ना, वो थोड़ा वाइट तो है लेकिन थोड़ा बहुत ब्लू है, यानी आउटर की तुलना में मतलब बहुत कम मतलब ब्लू है। फ्रेंड, तीसरा देखिए, तीसरा जो आपको तीसरी वायल दिख रही है उसमें क्या हो रहा है, जो आउटर वाला पार्ट, जो सर्कल पार्ट है, जो ब्लू पार्ट है ना, डार्क ब्लू, वो जो अंदर वाला इनर पार्ट है ना स्क्वायर वाला, वो और आउटर दोनों कंपैरिजन में इक्वल हो रहे हैं। देखिए आप दोनों का कलर देखिए, दोनों इक्वल ब्लू दिख रहे हैं फ्रेंड्स हैं। एक बार आप इनके पार्ट्स ये टाइप्स देख लीजिए, मैं बता दूंगा फिर। अब देखिए, जो चौथा वाला आपको फोर्थ टाइप दिख रहा है, इसमें देखिए जो इनर वाला जो पार्ट है, इनर स्क्वायर जो पार्ट है ना अंदर वाला, वो ज्यादा मतलब नीला हो रहा है तुलना में बाहर वाले की, जो बाहर वाला वो कम मतलब वाइट कम नीला दिख रहा है, और जो अंदर वाला है ना वो बहुत ज्यादा मतलब कि वो दिख रहा है ब्लू दिख रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब इन वायल को देखिए, अब क्वेश्चन आते हैं कि ये पूछते हैं कि मतलब कि नॉमिनल स्केल के अकॉर्डिंग कौन सी ग्रेड डिस्कार्ड पॉइंट के अंदर आती है, यानी डिस्कार्डेड मतलब कौन सी ग्रेड में अगर ये चला गया तो उसको अपन वैक्सीन को डिस्कार्ड करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें देखिए जो सेकंड तक नॉर्मल है, जो थर्ड वाला है वो दोनों का इक्वल हो रहा है, यानी जो कलर चेंजेस होता है वो इक्वल हो रहा है। फ्रेंड, जो थर्ड ग्रेड होती है वो डिस्कार्ड पॉइंट होता है। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ओपीवी कैन यूज अप टू विच ग्रेड, यानी ओपीवी को अपन कौन से ग्रेड तक यूज कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपको जो सेकंड वाली वायल दिख रही है इसमें आप यहाँ तक नॉर्मल है, यानी कि जो इनका कलर डिफरेंस होता है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन नॉर्मल है, तो अपन ओपीवी को सेकंड ग्रेड तक अपन यूज कर सकते हैं। फिर कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कलर ऑफ आउटर सर्किल एंड इनर स्क्वायर आर इक्वल, यानी आउटर सर्किल और इनर स्क्वायर का जो कलर होता है ना वो कौन से ग्रेड में इक्वल हो जाता है। तो आप फ्रेंड्स ये वायल देख रहे हो तो इसमें देखिए जो थर्ड ग्रेड वाला जो वायल दिख रही है ना उसमें दोनों कलर बार वाला और अंदर वाला दोनों इक्वल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीवीएम पे मोस्टली यहाँ जो वायल है इसमें से तीन ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तो पूछेंगे कि
आउटर सर्कल और इनर स्क्वायर रहता है वो इक्वल कौन से ग्रेड में हो जाता है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेड थर्ड। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ओपीवी को कौन सी ग्रेड तक यूज कर सकते हैं, तो आप बताइएगा ग्रेड सेकंड तक, क्योंकि ग्रेड थर्ड में तो आप अपन का जो दोनों कलर होते हैं इक्वल हो जाते हैं और डिस्कार्ड पॉइंट। अगर फिर पूछता थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कार्ड पॉइंट कौन सी ग्रेड तक आता है, तो ग्रेड थर्ड, क्योंकि वायल देखिए आप जो थर्ड वाली वायल दिख रही है ना उसमें दोनों का कलर इक्वल हो रहा है, यानी ये इसको डिस्कार्ड यानी फेंकना पड़ेगा, ये खराब हो चुकी है। और कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि जो वीवीएम वाला पार्ट होता है आउटर पार्ट कौन सा होता है और इनर पार्ट कौन सा होता है। जो आउटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, सर्किल यानी गोलाकार होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो स्क्वायर होता है। आउटर वाला पार्ट होता है वो ब्लू होता है, इनर पार्ट होता है वो व्हाइट होता है, तो इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे अपना टॉपिक वीवीएम कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स वीवीएम से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।